नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में होली बेहद खास तरीके से मनाई जाती है। वैसे कोरोना के चलते भले ही देश के बाकी हिस्सों में त्योहार का रंग थोड़ा फीका पड़ गया हो, लेकिन अगर मथुरा की बात करें तो होली का वही चिर परिचित रंग ही इस बार देखने को मिल रहा है। वृंदावन की गलियों में गुलाल के बादलों ने डेरा जमा लिया है। तमाम दुश्वारियों के बावजूद होली पर राधा कृष्ण की रास स्थली पर भक्त उस परमानंद की खोज में पहुंच गए हैं जो होली के मौके पर ब्रिज की गलियों में आसमान से बरसता है। गलियों में एक तरफ ठंडई, बर्फी, गुजिया की बहार है तो दूसरी तरफ राधा कृष्ण और उनका मनोहारी श्रृंगार है। देश के हर कोने से यहाँ पहुँचे भक्तों की फौज होली की इस निराली छटा को देखकर निहाल है। राधे राधे की गूंज के साथ परिक्रमा मार्ग पर हजारों की भीड़ है तो गलियों में द्वापर युग की होली के निशान तलाशते भक्तों का रेला है। भक्ति, आनंद और खोज की ये सारी धाराएं बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं और दिखाई देता है सिर्फ उड़ता गुलाल और सुनाई देता है बस जय कन्हैया लाल। बिहारी जी की होली बिना बाबा हरिदास के अधूरी है। हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। बिहारी जी के किसी भी उत्सव का वर्णन करना है तो स्वामी हरिदास जी का स्मरण करके ही वर्णन करने में अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। एक होरी है कि श्री हरिदास की रसिकता अनोखी बनी, अंग अंग रंगन में बोरे सर बोरी है, घनानंद रसखान आलम और बोधा सभी प्रेम के निम में करे मरजोरी है। पद्माकर सूर और कबीर तुलसी भी भाव के रंगन को अंगन में बोरी है, प्रेम के उचासो शब्द मिश्री से भये सभी ने बखानी जानी ब्रज की ये होरी है। मंदिर के अंदर और बाहर पैर रखने की जगह नहीं बची है, इसके बावजूद भक्तों की भीड़ लगातार यहाँ पहुँचती जा रही है। यहाँ लाखों के हुजूम में किसी की कोई पहचान नहीं बची, सबके चेहरे पर बांके बिहारी की भक्ति का रंग पुता है। संजय शर्मा, वृंदावन आज तक। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर होली की झोली ले चल पड़ी है रसिकों की टोली। चलिए संजय मेरे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वैसे तो वृंदावन में 2400 घंटे 1200 महीने 3600 दिन परिक्रमा चलती है वृंदावन की, लेकिन होली के समय वृंदावन की परिक्रमा का रस रंग और बढ़ जाता है। जब ऐसे छोटे छोटे जत्थे भजन गाते हुए नंगे पैर वृंदावन की परिक्रमा में लगते हैं, आप लोग कहाँ से आए हो? छतरपुर से। छतरपुर एमपी। छतरपुर मध्य प्रदेश से। और ये सारे लोग वहीं से आए हैं सब लोग। वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और इसमें परिक्रमा करने वाले जो नंगे पांव चलते हैं वो भी इन जत्थों के साथ जुड़ते जाते हैं और इस तरह से कारमा बनता जाता है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। तो वृंदावन की परिक्रमा अभी होली तक लगातार ऐसे ही चलेगी, क्योंकि वैसे तो सालों भर चलती है लेकिन होली के समय इसका रस रंग और उमंग ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। जो भी आपको इस रास्ते में नंगे पांव जाता हुआ दिखे आप समझ सकते हैं कि वो परिक्रमा में है और वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जिसमें पूजा के 16 प्रकारों में षोडशोपचार में परिक्रमा है और परिक्रमा में अपने इष्ट देव को या इष्ट स्थान को दाहिनी तरफ रखते हैं, यानी ईश्वर वृंदावन है और लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। ऐसे ही नंदगांव है, बरसाना है, ब्रजराज है यानी गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। आज तक बांग्ला जानुन सब खबर सवार आगे। सब्सक्राइब करुन आज तक बांग्ला, बेल आइकन प्रेस करते भूलबेन ना।